नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। हम लोग चरवाक दर्शन पर बात कर रहे हैं। चरवाक जिसके तर्कों से उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि आज भी चरवाक का एक उद्धरण बार बार इस्तेमाल होता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत, अर्थात जब तक जियो सुख से जियो, क्योंकि मरने के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता है। जो फिलॉसफी के नहीं हैं वह भी चरवाक के इस कथन का प्रयोग करते हैं, और कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि चरवाक की प्रासंगिकता ही ये बनी हुई है कि चरवाक जो आज का जो भौतिकवादी युग है उसके संकेत चरवाक ने बहुत पहले दे दिए थे। तो चरवाक जिनकी लोकप्रियता इस आधार पे है कि ऋण लेकर घी पीना चाहिए क्योंकि मरने के बाद कुछ भी शेष नहीं बचता, उन चरवाक ने एक बहुत व्यवस्थित तरीके से उस काल में जिसमें कि एक मां सत्य ब्रह्म को मानते हुए वेद उपनिषदों की रचना हुई, उस काल में जहां पर आध्यात्मिक लक्ष्य मोक्ष एकमात्र लक्ष्य था, उस दौर में चरवाक मोक्ष का एक तरह से खंडन करते हुए कहते हैं मरना ही मोक्ष है क्योंकि मरने के बाद कुछ भी शेष नहीं होता है। तो हम लोग आज दार्शनिक दृष्टिकोण से चरवाक की नीति शास्त्र क्या कहती है, चरवाक नैतिकता के बारे में बातचीत क्या कहते हैं, चरवाक आचरण के विषय में क्या कहते हैं, इसे हम समझेंगे और ये जानेंगे कि चरवाक किस तरह से नैतिक मापदंडों को स्थापित कर रहे हैं। जैसा कि हम इसके पहले के दो जो व्याख्यान हुए हैं चरवाक से संबंधित, इसमें पहले वाले में हम लोगों ने देखा है चरवाक की ज्ञान मीमांसा, जिसमें चरवाक यह सिद्ध करते हैं कि प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। उस आधार पर वह अनुमान शब्द उपमान आदि प्रमाणों का खंडन कर रहे हैं। तो पहला ये उनकी ज्ञान मीमांसा है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि उनकी इस ज्ञान मीमांसा जैसा हमारे देखने का नज़रिया होगा वैसे दुनिया नज़र आएगी। तो इस ज्ञान मीमांसा के आधार पर वह भौतिकवाद को स्थापित करते हैं। दूसरे व्याख्यान में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से चरवाक भौतिक तत्व जगत को स्वीकार कर रहे हैं, आत्मा को स्वीकार नहीं कर रहे, शरीर को स्वीकार कर रहे हैं और ईश्वर को भी अस्वीकार कर रहे हैं। इस भौतिकवादी तत्वमीमांसा को स्वीकार करके चरवाक नीति शास्त्र की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। जब सामान्यतः उनके जो नीति शास्त्र है उसका भी आरंभ प्रत्यक्ष से ही होता है, अब अपने पूरे दैनिक आचरण में वो उसी को उपयोगी मानेंगे जो कि प्रत्यक्ष के प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत होता है। प्रत्यक्ष जिसका होगा उसको माना जाएगा, इसका प्रत्यक्ष नहीं होता है उसको नहीं मानेंगे। इस आधार पर हम लोग देखें चरवाक के नीति शास्त्र में सामान्यतः प्रत्यक्ष ही उनकी ज्ञान मीमांसा का आधार है। अब पुरुषार्थ, पुरुषार्थ में ये आपकी जिज्ञासा के लिए ये बना रखा है कि पुरुषार्थ चार माने जाते हैं, और ये दो जो नहीं है इसमें वो आपकी जिज्ञासा के लिए, ताकि आपके मेमोरी में ही रहे कि हम काम को मानते हैं चरवाक, अर्थ को मानते हैं, लेकिन इन दो पुरुषार्थों को नहीं मान रहे। और ये दो पुरुषार्थ कौन है जिसे कि भौतिकवादी दार्शनिक स्वीकार नहीं करते हैं। प्रत्यक्ष किसका होगा, काम का होगा। चरवाक का अर्थ काम का अर्थ होता है कि सामान जिससे हमारे जो शरीर को संतुष्टि मिले, ठीक, हमारे जो इच्छाएँ हैं और जो शारीरिक कि जो शरीर की जो आवश्यकताएं हैं जब उनकी पूर्ति होती है तो वो जो आनंद आता है, हम अच्छा खाते हैं पहनते अच्छा खाते हैं, ठीक, हवा अपने अनुकूल ग्रहण करते हैं तो हमें एक सुख की अनुभूति होती है, उसे ही काम कहा जाता है। काम का अर्थ सिर्फ यहाँ पर यौन संतुष्टि से नहीं है, काम का अर्थ वो सभी चीज़ें जिस जो हमारे हमें शारीरिक सुख पहचानते हो, शारीरिक संतुष्टि प्रदान करते हों, उसे काम कहा जाता है। और अर्थ का अर्थ वो है वही वो साधन जो जिसके माध्यम से हम भौतिक चीज़ों को भौतिक वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम अर्थ के तौर पर स्वीकार करते हैं, अर्थ के रूप में परिभाषित करते हैं। तो चरवाक काम को मान रहे हैं क्योंकि काम का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। बड़ा अच्छा है कि जब आपकी जीवा से रस जाता है वो चरवाक, अगर आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया देखें तो उसमें एक एपिसोड पूरा चरवाक पर है। उसे बहुत चरवाक बहुत अलंकारिक ढंग से कहते हैं कि जब कोई एक मदिरा या फिर एक रस आपके भीतर जाता है गले में तो जो संतुष्टि देता है उसका आनंद किसी और से तो ली नहीं हो सकता है।
तो काम काम को महत्व दे रहे हैं, सारे सुखों को महत्व दे रहे हैं, और इसके साथ साथ वो कहते हैं जबकि काम ही जो है परम पुरुषार्थ है। इसका मतलब इसके पहले परम पुरुषार्थ इसको मारा जाता था, बता दें तो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है हम लोग की आदत है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार मनुष्य के आचरण को चार तरीके से स्पष्ट करने के लिए इसे धर्म अर्थ काम मोक्ष के तौर पर माना गया है। ठीक, अब चरवाक काम को महत्व दे रहे हैं और काम को यह अभी तक माना जाता था, मोक्ष को परम पुरुषार्थ माना गया है। मोक्ष जो है वह परम पुरुषार्थ है और परम पुरुषार्थ के तौर पे मोक्ष को स्वीकार किया गया है। फिर इसको लेकिन अब ये इसको नहीं मान रहे, कहते परम पुरुषार्थ काम है, काम को और अर्थ को क्या मान रहे हैं, क्योंकि काम की तृप्ति अर्थ से होती है इसलिए वो अर्थ को स्वीकार कर रहे हैं। बड़ा अच्छा चरवाक कहते हैं कि यदि हमें बिना अर्थ के भी अगर काम की पूर्ति हो जाए तो अर्थ की भी आवश्यकता नहीं है, तो समस्त चीजों का लक्ष्य आज के भौतिकवादी युग में देखें कि समस्त चीजों का लक्ष्य क्या है, हम अपने को कितना ज्यादा सुखी कर सके। तो पुरुषार्थ के तौर पर वो काम को मान रहे, अर्थ को मान रहे हैं, धर्म और मोक्ष जैसे हम लोग सामान्यतः भारतीय परम धर्म मतलब नैतिक मूल्य कह सकते हैं इसको, ठीक, या जो हमारे पुण्य है जैसे ऐसे कर्मों करने से पुण्य मिलता है पॉजिटिव सेंस, वो धर्म के अंतर्गत आ गया। धर्म एक आध्यात्मिक मूल्य है, मोक्ष एक आध्यात्मिक मूल्य है, इन दोनों को अस्वीकार करके चरवाक अर्थ और काम को स्वीकार कर रहे हैं। इस तरह चरवाक का जो नैतिक चिंतन है वो सुखवाद की स्थापना करता है। कुछ भी काम करो जैसे ना कह यावत जीवे सुखम जीवे, ठीक, जब भी जियो सुख से जियो, ठीक। तो ये जो परिभाषा है यह चरवाक सिद्ध करना चाहते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, सुखी रहना, जितना हम सुख प्राप्त कर सके उतना हमें सुखी रहना चाहिए। दूसरा वो आते हैं दूसरे लक्ष्य के तौर पर, अगर हम लोग देखें तो चरवाक ये कहते हैं कि सुखों में भी दो डिवीजन है, जैसे कुछ लोग सुखवादी उसके किसे कहेंगे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा सुख की को चाहे, तो सुख दो तरीके से चाहोगा, अभी आप कष्ट सहलो, हो सकता है कि भविष्य में अभी कष्ट सहलो बाद में आप सुख मिले, तो उसे भी सुखवादी कहा जाता है कि व्यक्ति इस तरह व्यक्ति दो तरह के सुखवाद हो गए सामान्य, एक सुखवाद जो त्वरित सुख हो जो वर्तमान में सुख मिल रहा है उसे चाह रहे हो, और दूसरा सुखवाद जो है वो है कि अभी बहुत कष्ट सहलो, कष्ट इसलिए सहलो कि भविष्य में आपको सुख मिलेगा। इसलिए लेकिन चरवाक का जो सुखवाद है वह मानते हैं वो त्वरित सुख को मान रहे हैं, आप भविष्य में सुख प्राप्त करने के लिए, भविष्य में सुख मिलेगा इसके लिए चरवाक कहते हैं अभी के सुखों को नहीं छोड़ा जा सकता है। तो चरवाक सुखवादी होते हुए भी वह भविष्य के सुख को महत्व नहीं दे रहे। एक बहुत अच्छी लाइन है चरवाक की, चरवाक कहते हैं भविष्य में कपोत मिलेगा, तो यह सोचकर हाथ में आए कबूतर को नहीं छोड़ सकता, मतलब भविष्य में बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी, मयूर मिलेगा, आप कह सकते हो कि भविष्य में मोर मिलेगा, मयूर मिलेंगे, इसको देख के हाथ में आए तोते या कबूतर को नहीं छोड़ा जा सकता है। इसका अर्थ यही है कि चरवाक क्षणिक सुखवाद को महत्व दे रहे हैं। इस तरह चरवाक का जो पूरा नीति शास्त्र है वो सुख पर केंद्रित हो गया है। वर्तमान देश में जो हॉब्स आते हैं, जेस बेंथम आते हैं, मिल आते हैं, तो विशेषकर बेंथम को अगर देखा जाए, हॉब्स को देखा जाए, तो ये जो सुखवादी दार्शनिक हैं इसके प्रारंभिक चरण नीति शास्त्र के अंतर्गत चरवाक दर्शन में दिखाई देते हैं, जहाँ पर चरवाक बहुत सरलता से यह सिद्ध करते हैं कि जीवन का लक्ष्य सुख प्राप्त करना है और इसका जो परम पुरुषार्थ वह काम की तृप्ति को मान रहे हैं, और यह एक तरह से भौतिकवाद की स्थापना का अंतिम चरण है। एक बार जैसे परीक्षा में सवाल आ गया कि भौतिकवाद की स्थापना, चरवाक का भौतिकवाद लिखिए, तो चरवाक के भौतिकवाद में आपको यह भी लिखना पड़ता है कि भौतिकवाद क्या होगा,
कि जब हम भौतिक सुखों को ज़्यादा महत्व देते हैं तो भी हम उसके भौतिकवाद के अंतर्गत आते हैं। अब इसके आधार पर चरवाक की नीतिशास्त्र जो व्याख्या है वो दर्शन शास्त्र के नीति शास्त्र के क्षेत्र में सुखवाद को स्थापित करती है। इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो चरवाक का जो पूरा जो नैतिक जीवन है वह अर्थ और काम पर केंद्रित हो जा रहा है, जो कि वो क्षणिक सुख को महत्व दे रहा है। इसी कारण पर चरवाक दर्शन समीक्षात्मक हो जाता है, चरवाक दर्शन की आलोचना अत्यधिक होती है। कल्पना करें, अगर चरवाक के चिंतन को स्वीकार कर लिया जाए और स्वीकार करने के बाद अगर हम नैतिक जीवन की कल्पना किस तरह कर सकते हैं, ऐसा एक समाज बन जाए जिसमें हर व्यक्ति अपने सुखों के लिए प्रयास कर रहा है, हर व्यक्ति धर्म को नहीं मान रहा है, पाप पुण्य को महत्व नहीं दे रहा है, वो कह रहा है सिर्फ अर्थ महत्वपूर्ण है और फिर उससे अपने काम की तृप्ति होनी चाहिए, तो ऐसा समाज स्थापित नहीं हो सकता है। इसलिए चरवाक के चिंतन की आलोचना हुई। आलोचना इस बात को हुई कि सबसे बड़ी आलोचना यह है कि यह नैतिक जीवन पर प्रश्न लग सकता है। अगर हम चरवाक को स्वीकार कर ले रहे हैं तो चरवाक की जो नैतिक व्याख्या है वह एक तरह से सामान्य सभ्य जीवन की अवहेलना करती है। इसलिए लगभग सभी दार्शनिक संप्रदायों में, इवन कि अगर जैन और बौद्ध दर्शन भी नास्तिक संप्रदाय हैं, लेकिन वह भी चरवाक की इस सुखवादी व्याख्या की आलोचना करते हैं। चरवाक बौद्ध और जैन नास्तिक होते हुए भी वो मूल्यों को मान रहे हैं, वो आध्यात्मिक मूल्यों को स्वीकार करते हुए मोक्ष निर्वाण या कैवल्य की बात कर रहे हैं। जैन और बौद्ध दार्शनिक नास्तिक होते हुए भी वह अपने सार्वजनिक जीवन में आचरण को विशेष महत्व दे रहे हैं, जो चिंतन चरवाक में नहीं मिलता है। यद्यपि चरवाक की जो क्षणिक सुख की व्याख्या है वो तत्कालिक तौर पर तो सही हो सकती है, लेकिन कहा जाता है कि चरवाक पूरी तरह से सुखवादी भी नहीं है। अगर क्षणिक सुख रहेगा तो वह आगे जाकर स्थायी सुख को जन्म नहीं दे पाएगा। इसलिए चरवाक पूरी तरह से सुखवाद के साथ भी न्याय नहीं कर पाते हैं। इस तरह चरवाक का जो नीति शास्त्र है, जो धर्म और मोक्ष को नहीं स्वीकार कर रहा है, वो एक सामान्य जीवन के लिए हमेशा प्रश्न चिन्ह के तौर पर प्रस्तुत होता है। इसलिए चरवाक के जो नीति शास्त्र है आलोचना का विषय रहा। इसलिए चरवाक के बाद जो मुख्य बृहस्पति को कभी कभी माने बृहस्पति मुनि को स्वीकार किया जाता है चरवाक के पक्ष के तौर पर या उनके प्रणेता के तौर पर, बाद में उस परंपरा में कई दार्शनिक आए, लेकिन बाद में से वात्स्यायन जैसे दार्शनिकों ने इसमें परिवर्तन किया। बाद के जो चरवाक के चरवाक विचारक आए उन्होंने अपने चिंतन में नैतिक मूल्यों को महत्व दिया और नैतिक मूल्यों को स्वीकार करके चरवाक दर्शन को उन्होंने परिष्कृत किया। लेकिन फिर भी अगर हम चरवाक की आलोचना यद्यपि दार्शनिक दृष्टिकोण से हम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम लोग देखें सामान्य अर्थ में, तो वर्तमान में चरवाक का नीति शास्त्र अत्यधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। आज क्रेडिट कार्ड की अवधारणा देखिए, बैंक वाले ढूंढ ढूंढ के जबरदस्ती क्रेडिट कार्ड देते हैं, लोग मना करते हैं क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, तो उधार लेकर घी पियो, तो उधार लेकर आप भौतिक संसाधन जुटाते हैं, ये है स्वार्थ। भौतिक सुखों के लिए आजकल ज़्यादा लोग तत्पर रहते हैं, ये भी चरवाक का एक फार्मूला है। अभी एक प्रासंगिकता के तौर पर ये देखा है कि व्यक्ति जो अकेलेपन का शिकार हो रहा है, अकेलेपन का शिकार होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत सुखों की ओर ज़्यादा आग्रही हो गया है। भौतिकवादी दृष्टिकोण का दुष्परिणाम क्या होता है कि हमेशा उसके कभी फ्लैट का किस्त दे रहा है, वो कभी महंगी गाड़ी खरीद के उसका किस्त दे रहा है। क्रेडिट कार्ड की अवधारणा है कि पहले खर्च कर लो, उधार ले लो, फिर ये धीरे धीरे उधार चुकाते रहो। इस तरह देखा जाए तो अभी भी चरवाक दर्शन को आए हुए कम से कम 2,500 साल तो हो ही चुके हैं, उसके बाद भी चरवाक दर्शन अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। यद्यपि प्रोफेसर संगमलाल पांडे अपनी किताब में लिखते हैं कि चरवाक से एक बात तो सीखनी चाहिए, चरवाक ये नहीं कह रहे हैं कि ऋण लेके शराब पियो, चरवाक कह रहे हैं ऋण लेकर घी पियो। इसका अर्थ है, यह भी एक आशावादी संदेश देता है कि यदि आपको सुख को प्राप्त करना है तो आपको परिष्कृत सुखों की ओर आगे बढ़ना चाहिए।
बहरहाल चरवाक की ये जो तत्व मीमांसा के आधार पर जो भौतिक तत्वों को जो स्वीकार कर रहे हैं उसके आधार पर यह तो होना ही था। अगर कोई फिलॉसफर आत्मा को स्वीकार नहीं कर रहा है तो वह निर्वाण को स्वीकार करना उसके लिए कठिन हो जाएगा। गौतम बुद्ध भी या बौद्ध दर्शन में भी अनाथवाद को स्वीकार करते हुए भी उन्होंने पुनर्जन्म को स्वीकार किया है, भले पुनर्जन्म का आधार उन्हें संस्कार को माना है। चरवाक अपनी ज्ञान मीमांसा में पुनर्जन्म प्रमाण प्रत्यक्ष को एकमात्र प्राण मान रहे हैं, जिसके आधार पर ईश्वर को भी स्वीकार करना कठिन हो गया। तो जब भाई ईश्वर को नहीं माना जाएगा तो कर्म फलदाता के तौर पर या कर्म का फल दिलाने वाली कोई सत्ता नहीं रहेगी। ईश्वर को ना मानते हुए भी अगर आत्मा को आप मान रहे हैं तब भी कर्मों के आधार में पुनर्जन्म की व्याख्या हो सकती है। चरवाक आत्मा को भी नहीं मान रहे और शरीर पर भी पूरे अपना दृष्टिकोण केंद्रित कर रहे हैं, जिसका स्वाभाविक परिणाम उनके इस नीति शास्त्र पर पड़ता है। तो बहरहाल तो चरवाक का नीति शास्त्र कुछ अर्थों में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो इस जीवन को महत्व देकर मनुष्य के महत्व को प्रदर्शित करते हैं, और समकालीन पाश्चात्य दर्शन में भी जो मानववादी मूल्य आया उस मानववादी मूल्य में चरवाक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि वह भौतिक तौर से इस मनुष्य के को स्वीकार करके वह आत्मा या परलोक का खंडन करते हुए प्रकारांतर से वो आदिम स्वरूप में मानववाद की स्थापना के प्रणेता बन जाते हैं। तो यह चरवाक दर्शन हम लोगों ने देखा, इसके तीन चरणों में आया था। पहला चरण हम लोगों ने ज्ञान मीमांसा के तौर पे देखा, प्रत्यक्ष एकमात्र प्रमाण है, अनुमान शब्द उपमान का खंडन है। दूसरे चरण में हमने उनके तत्व मीमांसा देखी, जिसमें वो जगत को स्वीकार कर रहे हैं और आत्मा और ईश्वर की सत्ता का खंडन कर रहे हैं और शरीर को महत्व दे रहे हैं। इन दोनों का जो सम्मिलित परिणाम क्या होता है उनकी नीति शास्त्र में उनके जो आचार संहिता है उसमें काम को और अर्थ को महत्व दिया गया, धर्म और मोक्ष को ना महत्व देते हुए सुखवाद की स्थापना की गई। और इस तरह चरवाक पहले व्यवस्थित तरीके से, पहले भारतीय दर्शन के ऐसे दार्शनिक हैं जो व्यवस्थित तरीके से भौतिकवाद की स्थापना करते हैं। यही वो खूबी है जो पूरे भारतीय दर्शन ही नहीं वर्तमान में भी चरवाक दर्शन को प्रासंगिक बनाए रखती है। धन्यवाद।